अब्दुल रब साहब डिलोइट के पार्टनर रहे हैं और जो है वो अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी जाती कंसल्टिंग ओडेक्स कंसल्टिंग के नाम से ट्रांजैक्शन एडवाइजरी फर्म है उसको मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो है वो शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें भी वो अपने जो है वो नाम गिनवाएंगे और जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करेंगे और माजी का जो कैरियर है वो सब आपके सामने है। डिलोइट के अंदर जो है वो मैनेजर सीनियर मैनेजर डायरेक्टर देन आफ्टर जो है वो पार्टनर फिर से पहले जो है वो एक एमिनेंट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और इसके साथ साथ जो है वो मुल्क के मशहूर नामी गिरामी यूनुस बंगाली साहब के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। वो इनको काफ़ी जो है वो अच्छा रिगार्ड करते हैं फॉर द टाइमिंग शिकागो में है। कल रात को भी मेरी उनसे बात हुई एंड ही हैज़ फॉरवर्डेड हाई रिगार्ड फॉर मिस्टर अब्दुल रब और जो है वो मिस्टर अब्दुल रब जो है वो चाहे जवान हो चाहे जो है वो सीनियर हो हर एक की जो है वो पसंदीदा शख्सियत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रब साहब, बताइए क्या इकोनॉमी को कहाँ देख रहे हैं, किधर जा रही है इकोनॉमी, किस तरीके से हम मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो आपका कहना यह है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की जो पोजीशंस होती हैं या लीडरशिप होती हैं उनके दरवाजे खुले हुए होने चाहिए, वो कोई मामूली सा भी स्टेक होल्डर हो सिस्टम का तो वो उनसे सवाल पूछ सकता है और इवन शक भी कर सकता है कि भाई आप जो है वो अपने काम को सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शक और सवाल दोनों इस माशरे में चल सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिविटी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप यहाँ मैंने देखा है और इस तरह भी है कि अगर आप अपना एक देखें अगर एक आपका कंपटीशन है हेल्दी कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं तो फिर आप खुद भी इतने विजिलेंट होते हैं कि आपकी चीज़ें बैलेंस हो रही। लेकिन अगर लोग कोई पर्सन स्कोर बैलेंसिंग करें या एक पर्सन मोटिव को उसमें ड्राइव करके उसके लिए कोई एलिगेशन या अननेसेसरी चीज़ें क्रिएट करें तो फिर होगा ये कि जो एक राइट माइंडसेट के साथ एक आदमी काम कर रहा है वो कंट्रीब्यूट करना भी चाहता है विल नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग दैट एक्सटेंट से लाइक देयर इज नो पॉइंट फॉर मी टू कंटिन्यू। फिर वो लोगों को फ्रस्ट्रेशन बीमारी और इस तरह की चीज़ें हेड डिजीजेस मेंटल ट्रॉमा वो नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्टिविटी के साथ आप क्रिटिसाइज करें और उसको बात करें आई थिंक एवरीवन इज ओपन टू डिस्कशंस और बड़े प्रोफेशनल फोरम के साथ है। इवन अब तो पॉलिटिक्स में भी ये चीजें काफी क्लियरली होती है बट आई थिंक नॉट फॉर द पर्पस उसका एक क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव पर्पस। आप कैसे आपके लड़के लोग उठ के नहीं आते आपको लाइन लगा के जो है ना वो चीजें करनी पड़ेंगे। देखिए अब्दुल साहब इस पे और आप विल चेंज द एनवायरनमेंट मेरा एक डिसएग्रीमेंट हो रहा है आप इसको सोचिएगा मैं भी सोचूंगा। मैं कहता हूं कि आपको इदारा चलाना होगा ना तो आपको हाई प्रोफाइल लोगों को लाना पड़ेगा। टेक्निक्स नहीं लाइए टेक्निक्स खुद खुद आ जाएंगी उनको लाइए। हमेशा दुनिया में जब से दुनिया बनी है दुनिया में किसी भी कॉन्सेप्ट को राइज करने के लिए लोगों को अपने साथ मिलाया गया पहले टेक्निक नहीं इंट्रोड्यूस की गई लोग अपने साथ आ गए टेक्निक्स खुद खुद बन गए। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन इसकी एक छोटी सी मिसाल आ सकती है। जब आपको हाथी को अंदर लाना है तो दरवाजा बड़ा करना है। ठीक है तो आपको अपना दरवाजा अपना स्ट्रक्चर अपने उस हिसाब से पहले अपना पोस्ट काउंसिल मोटिवेशंस इन्फ्लुएंसेस द ऑन काउंसिल डिसीजंस। आप ये सोचते हैं कि मेरा काउंसिल का पीरियड खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं सारी जिंदगी ये कहता रहूंगा कि मैं दो दफा आईकेएफ का प्रेसिडेंट रहा था दो दफा एसआरसी में रहे था तो ये चीजें बता बता के आप अपनी बाकिया जिंदगी जो है वो खुशी से गुजारना चाहते हैं। दिस इज नॉट राइट। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है ये इसमें हाँ तो ये अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे और ये बातें नहीं पोस्ट काउंसिल मोटिवेशंस नहीं होनी चाहिए। आप ऑन काउंसिल रह के बेस्ट डिसीजन लीजिए वरना देखिए ये पब्लिक इंटरेस्ट यू हैव टू लिव इन द मोमेंट दोस्त ये पब्लिक इंटरेस्ट पोजीशन है अगर आप इसको सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो अल्लाह के पास एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने वाला है और उसके ऊपर आप जो है वो मुश्किल में आ जाएंगे कैसे जवाब देंगे। इसीलिए अगर आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजिशन लेते हैं एज आई सेड कि लिव इन द मोमेंट एंड डिलीवर योर बेस्ट अपनी समझ के हिसाब से यू डू टेक राइट डिसीजन। आपको और तो कोई इसमें नहीं है ना यू हैव टू लाइक दे हेल्प द इंस्टीट्यूट एंड द मेंबर्स टू सक्सीड एंड व्हाटएवर द बेस्ट सिनेरियो एंड द पॉसिबिलिटीज लिमिटेशंस हैं उसको चैलेंजेस हैं उसको किस तरीके से आप ओवरकम उनको इक्विप करना है तो डिजिटलाइजेशन तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है दोस्त अदरवाइज हम वही रहेंगे जमाने की चाल कहीं और होगी हम कहीं और चाल चल रहे वो तो नहीं हो सकता। अब ये जो आप लोग माशाल्लाह जो सारे कंटेस्टेंट हैं इसमें से इंशाल्लाह आठ है जो भी अल्लाह की मर्जी कैसे इलेक्ट हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं ये सारे कंटेस्टेंट मिलके
जो भी इलेक्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली, ये मिल के जो है वो जो चैलेंजेस आगे आने वाले हैं इसको निभा पाएंगे? ठीक है, इस वक्त जो कंटेस्टेंट है 15 कंटेस्टेंट, हाँ, और इसमें से सभी हमारे साथी हैं, सबके लिए बेस्ट विशेस, गुड एंड गुड लक टू देम, और जो भी आएंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे कि मेरे साथ शेयर हुई हैं। और इस वक्त भी बहुत सारी चीजें जो है वो जो मैं इनसे तसल्ली चाह रहा था अपनी बातों के ऊपर, चूंकि जाहिर बात है मैं भी वोटर हूँ, आप भी वोटर हैं, हम अपने वोट की जो है वो समझ लीजिए कि हमारा सासा है और आईकेप के हम कस्टोडियन हैं, हम सब लोग मिलकर अकाउंटिंग प्रोफेशन के कस्टोडियन हैं, हम गलत वोट दे दें किसी की जो है वो चीरी चपड़ी बातों में आके, या बारह जो है वो हम किसी के हमदर्दाना दोस्ताना मामला के ऊपर, तो ये भी बारह एक अपने प्रोफेशन से बदल